Hello students and welcome back to BankExamPrep.com. Students, the second edition of Superset is available on BankExamPrep.com. So let me tell you whatever we have updated in this Superset. Students, it is updated till 24th of August 2023. So we'll be also launching the V3 third edition भी हम निकालेंगे जिसमें हम 8th of September तक की updates लेकर आएंगे, ठीक है? So whatever the contents are, let me discuss with you. First of all, इसमें जो है, let me just write it down here only, अगर जगह बचती है तो. First of all, इसमें आपके banking and financial awareness के सारे quiz हैं. Financial awareness सारे आपको quiz मिलेंगे. Financial awareness के जो भी पिछले 12 months के हमने इसमें quiz डाले हैं, 12 months के. And then इसमें आपको 6 months के actually. RBI सर्कुलर्स हैं, RBI के सर्कुलर्स हैं पिछले 12 मंथ्स के. जितने भी नेगोशिएबल सी स्टूडेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, IRAC नॉर्म्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारे टॉपिक्स पावर कैप्सूल में नहीं हैं लेकिन ये सुपरसेट में हैं. टोटल 690 क्वेश्चंस आर देयर. हमने 150 और क्वेश्चंस ऐड करे हैं सेकंड वर्जन में. पहले एडिशन में शायद 550 के तकरीबन थे, अभी 700 के तकरीबन 690 क्वेश्चन हो चुके हैं. एंड विल बी एडिंग इवन एट लीस्ट 150 मोर क्वेश्चंस इन द डाइजेस्ट. इसमें हम 150 क्वेश्चन और ऐड करने की कोशिश करेंगे. इस नंबर को एटलीस्ट 800 तक लेकर जाएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, दीज स्टार्ट हमने करा है फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन से. विच ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस टू एस्टैब्लिश एन इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म. सी स्टूडेंट्स, आपको कैसे पढ़ना है एग्जैक्टली, यू वोंट सी दीज क्वेश्चंस. आपको एग्जैक्टली ये वाले क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे. सी, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म, आपको समझना पड़ेगा ये प्लेटफॉर्म है क्या, ठीक है? तो उसके लिए इन डेप्थ हमने एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं. एक्सप्लेनेशन प्रॉपर इन डेप्थ में लिखी हैं, शॉर्ट में नहीं लिखी हैं. यू कैन रीड. जहाँ पे आपको चीज़ों का पता है वहाँ पे आप जो है स्किप आउट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ दीज बैंक्स आर क्लासिफाइड एज डीसिब्स, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, राइट? डीसिब्स, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, HDFC, SBI, ICICI, ये सारे ही डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इंडिया के. दीज 3 आर डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. तो ये आपको पूरा एक प्रॉपर में आपने पढ़ना है, ठीक है? इस तरह से ऐसे पढ़ने से सी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने के कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है? एक तो आप बोर नहीं होते, राइट? एंड यू कैन कवर अ लॉट ऑफ सिलेबस वेरी क्विकली. आप 3-4 घंटे में ही जो है काफ़ी पढ़ सकते हो. आप एक दिन में पूरी 150 पेजेस पढ़ सकते हो 2 दिन में. एंड आई कैन अश्योर यू कि ये कैप्सूल 150 पेज का कैप्सूल पढ़ने के बाद आपकी रिटेंशन बहुत बढ़ जाती है. आप काफ़ी कुछ रिटेन करते हो. आप जहाँ कहीं भी यू फील अ प्रॉब्लम, वेर एवर यू फील यू आर स्टक, read that topic from the course, read that topic from the Google or the YouTube. आप उसका एक help लीजिए. तो इससे आपको पता चलता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, right? You'll get a good idea कि मुझे ये topic नहीं आता है, या systematic, domestically systematic important banks. हो सकता है कि when it comes to the power capsule, इसका एक बहुत लंबा सारा वो हो, content हो, उसको पढ़ने में भी दिक्कत आए आपको. लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी नहीं. आपने सीरीज पढ़ लिया कि HDFC, SBI और ICICI, these 3 are domestically systematically important banks, ठीक है? SBI partnered with which bank to launch co-branded credit card? So आप एक पेपर ले लें, राइट? इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट करा लें, ठीक है? या आप एक पेपर ले लें. अगर टैब पे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू सेव पेपर, रीड इट ऑनलाइन. वील बी लॉन्चिंग अनदर कैप्सूल, अनदर सुपरसेट. एंड अगर कोई यहाँ पे गलती होती है, स्टूडेंट्स रिपोर्ट द मिस्टेक्स एंड वी फिक्स दॉस मिस्टेक्स, राइट? तो एक तो नए एडिशन में हम गलतियाँ फिक्स करते हैं और नए क्वेश्चंस ऐड करते हैं, ठीक है? तो ऐड करते करते हमने दूसरा एडिशन निकाला है, देन तीसरा भी निकालेंगे, ठीक है? सो SBI पार्टनर्ड विद पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है? पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ को ब्रांडेड कार्ड्स लॉन्च करे गए हैं, ठीक है? सो अदानी ग्रुप्स रिसेंटली, क्योंकि ये पिछले 1 साल के फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, सो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है. अदानी ग्रुप बॉट एनडीटीवी, सो दे बॉट 27.26% ऑफ एनडीटीवी स्टेक. ओके, सो ये थोड़े से पुराने क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे बिकॉज ये लास्ट 1 मंथ की नहीं कंपाइलेशन. दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ लास्ट आई वुड से मोर देन 1 ईयर. सो यू कैन रीड इट. आप इधर देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. यूल बी गेटिंग 692 क्वेश्चन. 692 क्वेश्चंस. व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन कैनरा जीवन धारा अकाउंट? ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पोर्टल लॉन्च बाय केरला गवर्नमेंट टू रजिस्टर माइग्रेंट वर्कर्स? सो ऐसे MCQs फॉर्मेट में पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस बुक को अच्छे से पढ़ें. बहुत मेहनत से हमने पिछले 1 साल में सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है. The priority sector lending, negotiable instruments, IRAC norms, IBC, financial awareness, government schemes, RBI circulars, everything is available in a very compiled format, MCQ format. You will never find similar content anywhere else. I can assure you, I can guarantee you, you won't be finding this quality of content anywhere else. Okay. सो ऐसा कंटेंट आपको कहीं और मिलेगा नहीं. लेटेस्ट कंटेंट दिस उड़ीसा गवर्नमेंट ने बंधन बैंक के साथ टाई अप किया है. दैट्स फॉर एग्जांपल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. न्यूज़ में कई बार आप भूल जाते हो नोट डाउन करना, राइट. यहाँ पे इट्स रियली अमेजिंग. सारे MOUs हमने यहाँ पे कवर अप करे हैं. कोई भी नई स्कीम आई है, एक्सिस बैंक ने कीवी यूज़र्स के लिए क्रेडिट कार्ड लाया है. तो फॉर एग्जांपल अभी हम स्किम कर रहे हैं. अगर यू नो व्हेन वी गिव यू पावर कैप्सूल, हो सकता है कि जल्दी जल्दी में समझ ना आए. यहाँ पे जल्दी जल्दी में भी आपको समझ आ रहा है कि पेटीएम ने नया डिवाइस लेकर आया है, पेटीएम, राइट, पॉकेट साउंड बॉक्स. सो आई मीन दैट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट, राइट. ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आप पढ़ें. ये सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ें. जहाँ पर नहीं समझ आता है, राइट, तो वहाँ पर आप पूछें, राइट, क्या आपको समझ में नहीं आया है. When was the BSE founded? Really 1875. Achhe questions, very high quality questions, right? So that's I guess all for today, students. I'll provide the link to download this particular superset in the description. Please check the description and download the superset. Very important for you, okay? And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Link is available in the description. Thank you.